नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूँ। आप ट्रांसफार्मर को जब कभी भी देखोगे तो उसके बारे में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिए और ट्रांसफार्मर के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज आपको मालूम हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, इसमें किस प्रकार से इसकी सेफ्टी डिवाइसेस काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये एक स्थिर उपकरण है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें घूमने वाले कोई भी उपकरण नहीं होता। ये जो उपकरण रहता है फैराडे को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर आधारित जो म्यूचुअल इंडक्शन है के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का जो कार्य रहता है आपको वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की बनावट या कंडक्शन की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। फर्स्ट आपका प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंड आपका सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ये जो बाइंडिंग रहती है आपका ई और आई टाइप का जो आयरन का जो कोर होता है, पट्टी रहता है, उसमें लिपटी रहती है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की टाइप की बात करूं तो ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जो इस एक वीडियो में पूरी प्रकार को बता पाना मुश्किल है। तो अगर हम वोल्टेज की दृष्टि से देखें तो वोल्टेज की दृष्टि से ट्रांसफार्मर जो रहता है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी स्टेप अप करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। और इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, मतलब पावर को एक जगह से अगर दूसरे जगह आपको ले जाना है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और ये क्यों करते हैं इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोग को बताऊँगा। सेकेंड जो मैं बता रहा था आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको हर जगह मिल जाएगा। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगा होगा वो भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। आपके प्लांट में भी आपने देखना कि प्लांट में जो इनकमिंग सप्लाई जो गवर्नमेंट हम लोग को देती है उसके जस्ट बाद में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमको जो सप्लाई देता है वो 11 kV या 33 kV का सप्लाई रहता है और वो सप्लाई को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हमको यूज़ करने के लिए 415 वोल्ट या 440 वोल्ट चाहिए। तो किसके द्वारा किया जाता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार हमारे घर के पास जो लगा रहता है ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहता है वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, जो 11 kV सप्लाई को 415 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो जब वो 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो वहाँ से हमको कितने वायर्स मिलते हैं, आपको 4 वायर मिलते हैं, RYB और न्यूट्रल, 3 फेस और एक आपको न्यूट्रल मिलता है। तो 3 फेस में आप 2 फेस के बीच जब भी देखेंगे तो वो 415 वोल्ट या 440 वोल्ट रहेगा, लेकिन 1 फेस और 1 न्यूट्रल के बीच में आप देखेंगे तो वो जो सप्लाई रहता है आपको 220 या 230 के आसपास रहता है। तो सिंगल फेस के लिए हमको ऐसा सप्लाई मिलता है, इस टाइप की सप्लाई मिलती है। और अगर 3 फेस की बात करेंगे तो हमको 4 वायर वाली सप्लाई मिलेगी जो कि 415 वोल्ट फेस टू फेस रहेगा। फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर में 2 टाइप की लॉसेस होती है, एक होता है आपका कोर या आयरन लॉसेस एंड सेकेंड जो होता है आपका कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस भी 2 प्रकार की होती है, एक आपका एडी करंट लॉसेस होता है और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है। सेकेंड जो लॉसेस है आपका कॉपर लॉसेस होता है। जो कॉपर लॉसेस क्या होता है कि जब ये लोड में रहता है, हमारे जो ट्रांसफार्मर लोड में रहता है, तो करंट फ्लो होती है और करंट फ्लो होने की वजह से कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस उसमें हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कॉपर लॉसेस होता है I²R होता है, I²R के बराबर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्रेंड, ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कूलिंग की हमको रिक्वायरमेंट क्यों होती है। चूँकि हमने ऊपर में देखा है कि आपका ट्रांसफार्मर में 2 टाइप का लॉसेस हो रहा था, एक आपका कोर लॉसेस और सेकेंड आपका आयरन लॉसेस। तो इस लॉसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है और इस हीट को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए हमें कूलिंग की आवश्यकता होती है। एक्चुअल में आपका ISI जो रहता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जब एटमॉस्फेयर या वातावरण का टेम्परेचर अगर 40 सेंटीग्रेड है तो। और अगर ये टेम्परेचर अधिक हुआ तो क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका जो इंसुलेशन है या लेमिनेशन है वो जल जाने की संभावना रहेगी और हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से हमको कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम जो कूलिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में वो 4 प्रकार के होता है। पहला जो रहता है आयरन नेचुरल कूलिंग होता है, सेकेंड जो होता है आपका एयर ब्लास्ट कूलिंग होता है, थर्ड जो रहता है आपका ऑयल नेचुरल एंड द एयर ब्लास्ट होता है, एंड फोर्थ जो रहता है आपका फोर्स ऑयल एंड द वाटर कूलिंग होती है। तो
फ्रेंड्स, मैक्सिमम हम लोग जो कूलिंग यूज़ करते हैं वो आपका ऑल नेचुरल कूलिंग होता है। इस विधि में क्या करते हैं कि जो पूरी वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है, उसको हम पूरे ऑयल में डुबा देते हैं। और चूँकि ट्रांसफार्मर जो रहता है एक स्टील टैंक का बना रहता है, तो उस टैंक में पूरा ये ऑयल भरा रहता है और उसके अंदर में ये हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और आपका जो कोर रहता है वो कोर डूबी रहती है। अब क्या होता है कि जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आपका लोड में रहता है या जब उसे पावर चलती रहती है, तो लॉसेस की वजह से जो भी हीट जनरेट होता है वाइंडिंग में या कोर में, जो भी हीट जनरेट होता है वो हीट किसके संपर्क में आता है? ऑयल के संपर्क में आता है। तो वो अपना टेम्परेचर जो है ऑयल को कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ऑयल रहता है वो क्या करता है, अपने टेम्परेचर को आपको जो स्टील बॉडी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। और स्टील बॉडी किसके संपर्क में रहता है? वो आपका नेचुरल नेचर का जो ऑयल एयर है उसके संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर जो रहता है वो नेचर को चलती जाती है। क्योंकि होता क्या है कि टेम्परेचर जो रहता है आपका हाई से लो की ओर ट्रांसफ़र होती है या फ्लो होती है। तो हाई जो रहता है वो टेम्परेचर कंटिन्यू आपका एटमॉस्फेयर में चलता जाता है और हमारा ट्रांसफार्मर भी इस टाइप से कूलिंग होती है या ठंडी होती है। इसके अलावा हम लोग कूलिंग सिस्टम को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो रहता है, ट्रांसफार्मर का जो टैंक रहता है, उसकी जो बॉडी रहते हैं, उसके साइड साइड में और भी हम लोग पाइप जोड़ देते हैं। इससे नेचुरल एयर के संपर्क में और ज़्यादा से ज़्यादा आता है और जो कूलिंग की दर जो रहती है वो बढ़ जाती है। स्टील टैंक के ऊपर आपने देखा होगा कि एक कंजर्वेटर टैंक लगा रहता है जो ऑयल के आयतन, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऑयल का जो आयतन रहता है वो उसमें वृद्धि होती जाती है, बढ़ता जाता है। तो अगर ऑयल का आयतन बढ़ता जाएगा और टैंक तो फिक्स है, उसकी जगह फिक्स है, तो अगर वो उसमें वृद्धि नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ऊपर में एक अलग से और टैंक बना देते हैं। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब आयतन में वृद्धि होती है, ऑयल के आयतन में वृद्धि होती है, तो वो जो ऑयल रहता है उस टैंक में जाकर वो भर जाता है। और आपने देखा होगा कि कंजर्वेटर टैंक से ही एक ब्रीदर लगा रहता है, एक ब्रीदर जुड़ा रहता है। तो क्या होता है कि जैसे आपका ऑयल का आयतन बढ़ा, ऑयल का आयतन बढ़ने से क्या हुआ, जो ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक में चला गया, तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर में जो भी एयर भरा रहा होगा वो ब्रीदर के द्वारा वापस निकल जाता है। और जब भी ठंडी होगी, मौसम जब भी ठंडा होगा या कूलिंग की वजह से, जब भी कूलिंग सिस्टम की वजह से जब भी हमारा जो टैंक जो है ठंडा होगा, ट्रांसफार्मर ठंडा होगा, तो वापस जो ऑयल हो नीचे चला जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, फिर एयर जो है वो सक्शन होकर ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा। तो ये ब्रीदर जो रहता है उसका वही काम रहता है कि जो नेचर में जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को रोके और जो प्योर जो एयर है वो आपका ट्रांसफार्मर, आपका नमी ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है या जो उसका इंसुलेशन वो ख़राब होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रीदर का उपयोग करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर का एक श्वास सिस्टम भी कह सकते हैं। और ब्रीदर के अंदर में एक केमिकल डाला रहता है जिसको हम सिलिका जेल कहते हैं। ये सिलिका जेल ही आपको जो नमी रहता है उसको सोखने का काम करता है। तो फ्रेंड, मैंने लगभग ट्रांसफार्मर की पूरी कंप्लीट ब्रीफ नॉलेज मैंने दे दिया है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा कोर्स है, अगर इसमें आप कंप्लीट आप लोग और जानना चाहते हैं पर्टिकुलर भाग के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और अगला वीडियो जल्दी जल्दी बना सकूं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।